कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना आज, बहुत अच्छा हो रहा है आज का मौसम। शाम के टाइम तो वैसे भी अच्छा ही लगता है ना, कहीं भी घूमने चले जाओ, क्योंकि अभी धूप तो जा चुकी है इसलिए हम दक्षु को भी घुमा सकते हैं, धूप में तो ज़्यादा निकल नहीं सकते बाहर। हाँ यहाँ पे हम पार्क में आए हैं और ये देखो ये दक्षी सो गया है, इसको बहुत तेज भूख लगी थी, इसको इसने दूध पिया उसके बाद इसे नींद आ गई है, अब इसको सुला रखा है, थोड़ा सा हम घूमेंगे उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे, फिर हम घर पे जाएंगे है ना, कहीं और भी जाना है क्या? आज तो थोड़ा ज़्यादा घूम लिया, पहले मंदिर फिर पार्क, अभी देखेंगे हो सकता है रेस्टोरेंट में जाएं कुछ खाने के लिए। और ये भी बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर, मतलब काफ़ी बड़ा है ना, बहुत स्पेस है इस पार्क में, चलना है उधर चलना है, चलो चलते हैं। मतलब यही है कि कभी कभी निकलते हैं तो घूमने के लिए अच्छा ही लगता है, एक तो इतनी गर्मी होती है ना कभी निकल ही नहीं पाते हैं, अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, धूप में तो अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पे ये ओपन जिम भी है जो पार्कों में लगे हुए हैं, मतलब कर सकते हैं मॉर्निंग में आके इवनिंग में आके, और यहाँ पे करते भी हैं, बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे सब करने के लिए आते हैं, जिम करने के लिए आते हैं, थोड़े बहुत मैं भी करके देखते हैं। अभी प्रसाद खाया था ना, थोड़ा वो मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा, ताकि अभी और कुछ भी खाना है ना इसीलिए। ये कसरत करने के लिए, ये बॉडी के लिए कसरत होगी, ट्राई मारती हूँ एक बार। बस इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं, पीछे पीछे और पीछे, पेट की होती है इससे। कर ली एक्सरसाइज। मेरी बॉडी बन गई, इधर ट्रायल था ऐसे ही, कौन सा यहाँ पे रोज रोज आ रहे हैं, थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ता है ना इसीलिए। आज तो मजा आ गया घूम के, अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे वापस, 7 बज चुके हैं और 7 बजे भी अभी कितना दिन होता है ना, अभी हम जाने के लिए तैयार हैं, बहुत टाइम हो चुका है ना, चलो खींचती हूँ। रुको रुको वैसे बैठा, ये देखो हमारा दक्षी बाइक चला रहा है, दक्षी देखो, दक्षी दक्षी आज बाइक चलाएगा, आज दक्षी हम दोनों को बिठा के लेके जाएगा है ना। हाँ अब हम जाते हैं, चलते हैं। अभी हम आए रेस्टोरेंट में, अब हम खाएंगे खाना, देखते हैं क्या मंगाएंगे। अभी ये खेल रहा है, अभी लिए हमने कोल्ड ड्रिंक, रिकॉर्डिंग के बाद अभी हमने डोसा ऑर्डर किया है और चाउमीन,
डोसा और चाउमीन आ गई है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा हमारा डोसा और ये चाउमीन। और यहाँ पे दक्ष और दक्षी के पापा खा रहे हैं। बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे ये, इसलिए हम हमेशा यहीं पे आते हैं ये चीज़ खाने के लिए। चलो फाइनली घर आए, थक जाते हैं बहुत बुरी तरह ना बाहर जाते हैं तो। आराम अपने घर पे आके ही मिलता है, मतलब कहीं भी चले जाओ और कितनी अच्छी जगह ही बैठ जाओ, फिर भी जो आराम आता है वो अपने घर पे ही आता है ना, नहीं घर से जगह कभी अच्छी जगह नहीं होती है। इसे भी देखो, घर आके कितना रिलैक्स फील होता है दक्ष को। दक्षा बच्चा नहीं, गोदी में बहुत बुरी तरह थक जाता है, पूरा टाइम उसको लेके रखते हैं, उनको लगता है अब नीचे बिठाओ ताकि वो भी रेस्ट कर सकें। अरे हम ही थक जाते हैं, ये तो बच्चे हैं, बेचारे बच्चे गोदी में तो थकेंगे जब तक ये नीचे नहीं बैठ के खेलेंगे, है ना, तब तक। आने के बाद मैंने पूजा कर ली थी और आज मुझे खाना बनाना नहीं है क्योंकि आज हम बाहर से खा के आए हैं तो काम भी नहीं है मेरा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।